ये सूरत हाल वाजे तौर पर इस बात की नमाजी है कि पीपल्स पार्टी जिसने गुज़िश्ता 15 सालों में जो करप्शन की, लूटमार की, कराची सिंध के शहरों के वसाइल को बेदर्दी से लूटा, वहाँ ज़मीनों की बंदरबाट की, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अरबों खरबों रुपए नाजायज कमाए, वाटर बोर्ड से, फिर इसी तरीके से जो भी इदारे जब भी बराह रास्त उनके कंट्रोल में आते रहे, जिस तरह की बदनुमानी और करप्शन हुई है वो एक तरफ, फिर उसके बाद मरदम शुमारी में ग्राउंड बेस सूबाई हुकूमत ने शुमार किया, डिप्टी कमिश्नर के मातहत असिस्टेंट कमिश्नर, उनके मातहत शुमार कुनंदगान, तो वहाँ पर कराची की आबादी की रफ्तार सिर्फ 12% 2017 से लेकर 2023 में सिर्फ 12%, जहाँ बर्मा के लोग भी हैं, जहाँ बंगाली बोलने वाले भी हैं, जहाँ अफगानी भी हैं, जहाँ वियतनामी भी हैं, जहाँ पाकिस्तान के हर इलाके का शहरी रोजगार के लिए आकर रचा बसा है, पूरा मुल्क वहाँ पर आ रहा है और वहाँ की आबादी में इजाफा सिर्फ 12%, जबकि कश्मीर, जैकबाबाद और लाड़काना की आबादी में 60% का इजाफा। भाई इतनी सरखेजी, इतनी रफ्तार से आबादी में इजाफा कि किसी साइंस और टेक्नोलॉजी से भी मुमकिन नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है वहाँ पर, और कराची एक जबान बोलने वालों का शहर नहीं, वो सिर्फ महाजरों का शहर नहीं, उर्दू बोलने वालों का शहर नहीं, वो सिंधी, बलोची और बड़ी तादाद में पश्तो जबान बोलने वाले पख्तून भाइयों, वो हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बलोची, सराइकी, इन तमाम पाकिस्तान की कौमियतों, मुख्तलिफ इलाकों में रहने वालों, मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले पाकिस्तानियों का शहर है और पाकिस्तान की तरक्की का इंजन और मईशत का मरकज है। उसके साथ मरदम शुमारी में खिलवाड़ होता है, आबादी को कम और लापता किया जाता है, इसी तरीके से बलदियाती इख्तियार और वसाइल पूरे मुल्क में नहीं है, किसी ज़िले, किसी शहर, किसी बलदियाती इदारे के पास नहीं, और सिंध में तो वो इख्तियार भी नहीं बलदियाती इदारों के पास जो शायद बाकी सूबों में हैं, तो वहाँ बलदियाती निज़ाम हो ना हो, ज़बरदस्ती अपना मेयर लाने के लिए हल्का बंदियों में हमारे साथ जो कुछ बलदियाती इंतखाबात में हुआ, हमें बॉयकॉट पर मजबूर होना पड़ा, हमारा जो मेयर एक आया वसीम अख्तर, उसको जिस तरह जलील व ख्वार किया गया, अब उससे ज़्यादा हाफिज नईमुर रहमान को, जो इस खुशफहमी में थे कि एमकेएम बॉयकॉट करेगी तो एमकेएम की सारी सीटें जमात इस्लामी को मिलेगी, और हाँ काफ़ी सीटें हमारी मिली उन्हें इसलिए कि हमने बॉयकॉट किया, लेकिन खुशफहमी ये थी कि हमारा मेयर आएगा। आज उन्हें पता चला कि भाई खेल ही कुछ और हो रहा है, जेरीमेंडरिंग। कबल इंतखाबात धांधली, इंतखाबी जो इंतखाबात वाले दिन धांधली, और बाद अस इंतखाबात धांधली, सारे वसाइल और रियासती और हुकूमती ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है ज़बरदस्ती अपनी ताकत को, सियासी ताकत को बढ़ाने में, मस्नूई तौर पर आबादी को मस्नूई तौर पर बढ़ाया जाता है, अंदरून सिंध की शहरों की, कराची की आबादी को कम किया जाता है। तो ये खेल कब तक होगा एक ऐसे शहर के साथ, एक ऐसे तबके के साथ कि जिनका नुमाया किरदार है पाकिस्तान के क़याम में, तहरीक क़याम पाकिस्तान में, ट्रेनें कटी, काफिले लुटे, मेरी बहनों बेटियों की असमतें कुर्बान हुई, तब जाके ये नामुमकिन पाकिस्तान एक मुमकिन पाकिस्तान बना। और अगर आज हमें उसका ये सिला दिया जा रहा है, आज ये खराज है उसका, तो फिर मुझे बताएं कि एहसास महरूमी, एहसास बेगानगी, एहसास अदम तहफ़ ये कहाँ जाएगा? लोग बेगाने हो जाएंगे, लोग जराइम की तरफ चले जाएंगे, उन्हें बुनियादी हकूक ना मिले, बिजली, गैस, पानी, पहले सिर्फ पानी की कमी थी, फिर बिजली की लोड शेडिंग, अब गैस की लोड शेडिंग, महंगाई, बेरोजगारी, जाली डोमिसाइल पे हमारे कोटे में नौकरियां सबको मिल रही हैं लेकिन हमारे नौजवानों को नहीं मिल रही नौकरी। ये हमारा पूरा मुकदमा है
खास तौर पे, और एक हमने उसका ट्रेलर, ये जो वोटर लिस्टों में बेजाब्त किया हूँ, ये लाखों 30% कराची के वोटर्स को अपने मुस्तकिल रहायशी पते से निकाल कर किसी और हलके में या शहर के बाहर किसी और शहर में फेंक दिया गया है। मैं इस अमल की मजम्मत करता हूँ, ये इंतहाई शर्मनाक, ये गासिबाना, जालिमाना, मुतासिबाना और नस्ल परस्ताना अमल है। ये रेशियल जेरीमेंडरिंग है, ये नस्ल परस्ताना कबल इंतखाब धांधली और नस्ल परस्ताना जेरीमेंडरिंग है। मैं अपने मीडिया के दोस्तों, मीडिया हाउसेस, मीडिया के मालकान, आप सब भाइयों बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी हमारी इस बात को और आवाज़ को पाकिस्तान के कोने कोने तक, हर खास पिंडी के लोगों तक, हर खास और इस्लामाबाद के खास लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएँ, ताकि इस मुल्क की बका सलामती का इंसार कराची की बका सलामती पर है, इस मुल्क की तरक्की और तामीर का इंसार कराची की तरक्की और तामीर पर है, इस मुल्क की जो मजबूती और इस्तेहकाम का इंसार कराची के मजबूती इस्तेहकाम पर है। अगर मेरी इन बातों को संजीदगी से ना लिया गया और अपना लिया गया, तो 15 सालों से हमें कॉलोनी बनाया गया, गुलाम बनाया गया, अपने कब्जे को जबरदस्ती अपना मेयर लाकर 20,000 के अपने हल्के बनाकर 20,000 वोट के, हमारे जमात इस्लामी के 90,000 के, अरे मैच शुरू होने से पहले, टॉस होने से पहले एक साइड पीपल्स पार्टी की साइड को 500 रन दे दिए गए। तो पहले 2018 में हमारी सीटें छीन कर एक जमात को मुसलत किया गया तब्दीली के नाम पे, करप्शन मुखालिफ एजेंडे पे, एक दिन वजीर आजम ने क्याम नहीं किया, इमरान खान ने एक दिन कराची में क्याम नहीं किया, और सूबह खुदमुख्तारी के आगे सारे सियासी हथियार डालकर हाथ पैर अपने लेकर वो मुल्क में और इलाकों में चले गए, कराची पर कोई तवज्जो नहीं दी। कराची के आवाम भी देख रहे हैं, हमने MQ को दोबारा जोड़ा है, हमने बिखरे हुए लोगों को यकजा किया, इस यकजहती से पहली किरण उम्मीद की रोशन हुई, मायूसी ख़त्म हुई, मर्दम शुमारी की हमने निगरानी की, चौकीदारी की, रंगे हाथों सूबा इंतज़ामिया को, सूबा पॉलिसी के चोर को रंगे हाथों पकड़ा और सेंसस कमीशन और वजीर आजम के सामने एक्सपोज किया, हमने अपना फर्ज पूरा किया। अब वफाकी हुकूमत, वजीर आजम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान हैं, और इसके अलावा जो रियासती इदारों के बड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी है कराची का मुकम्मल बट्टा बैठे, वहाँ के लोग ग्राम बन जाए, वहाँ पानी की बूंद बूंद को तरसे, बुनियादी सहूलतों को तरसे, रोज़गार को तरसे, जराइम में इजाफा हो, बदमनी हो, इंतहा पसंदी हो, दहशतगर्दी हो, उससे पहले लगाम देने की ज़रूरत सूबाई वडेरों और जागीरदारों को, उनकी करप्शन का अब ऑडिट करने का वक्त आया है, उनका हिसाब करने का वक्त आया, उनका हिसाब किताब होना चाहिए, ये मेरा मुतालबा है। और जो बेजाबती हुई है वोटर लिस्टों में, उसको दुरुस्त किया जाए, इलेक्शन कमीशन ने हमें यकीन दिलाया है कि वो इस सिलसिले में इंसाफ करेंगे और हमारे साथ इंसाफ होगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज रवैया था, मुझे उम्मीद है कि नादरा को ये डायरेक्शन दी जाएगी कि आरसी और मुस्तकिल एड्रेस सेक्शन 27 है इलेक्शन एक्ट का 2017 का, जिसके तहत या तो वोटर अपने आरसी पते पर रजिस्टर होगा या मुस्तकिल पर, इन दोनों के अलावा किसी पते पर है वो एक डायरेक्शन दी जाए नादरा को कि उसको दुरुस्त करें। एक कमांड में ये दुरुस्त हो सकता है, एक बटन दबा के ये दुरुस्त हो सकता है कि लाखों वोटर को जो कराची के अपने हलकों से हटाकर कहीं और कराची के बाहर फेंक दिए गए, इन्हें वापस लाना चाहिए। अगर साफ और शफाफ इंतखाबात कराने हैं, ईमानदाराना, दयानतदाराना, इंसाफ मुनसिफाना इलेक्शन कराने हैं, तो लाखों वोटर्स को अपने आबाई, अपने ओरिजिनल कराची के अंदर मुस्तकिल या आरजी पते पर वापस लाना होगा, ये मेरा मुतालबा। बहुत शुक्रिया, आपसे बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई, इसलिए मैंने थोड़ा अपने लेक्चर को लंबा खींचा, उसके लिए माफ़ी, बहुत शुक्रिया।